सो गाइज, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी YouTube वीडियोस के लिए प्रोफेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से डाउनलोड करते हो। आप में से काफी पर्सन बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर लेते हैं अपनी वीडियो में, बट उसके बाद क्लेम मिल जाता है, कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। तो इस वीडियो में आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ, अगर आप यहाँ से अपनी वीडियोज के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करते हो तो आपको कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा। और आपको बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट देना पड़ता है। क्रेडिट कैसे देते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहो वीडियो में एंड तक, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको जनरल कॉन्टेंट मिलता है और मिलता रहेगा। फर्स्ट YouTube पर सर्च कीजिए NCS, तो आपको एक चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उनमें जो भी म्यूजिक्स हैं आप उनको वीडियो में डाउनलोड करके MP3 में कन्वर्ट करके अपनी YouTube वीडियोस में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट MP3 में भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप अपनी वीडियो में बेफिक्र होकर यूज़ कीजिए, आपको अपने डिस्क्रिप्शन में कोई भी क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको यूज़ कर सकते हो और आपको क्लेम नहीं मिलेगा। सेकेंड, अगर आपका व्लॉग चैनल है तो आप इस वाले चैनल से बैकग्राउंड म्यूजिक ले सकते हो, काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, काफ़ी म्यूजिक्स आपको मिल जाएंगे और आपको क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको यूज़ कर सकते हो किसी भी तरह, डाउनलोड करके MP3 में या वीडियो में डाउनलोड करके MP3 में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं कौन से बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करता हूँ, मैं एक तो ये वाला यूज़ करता हूँ और एक ये वाला यूज़ करता हूँ। ये कहाँ से मैंने डाउनलोड किया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सेकेंड, जब आप अपना YouTube स्टूडियो ओपन करोगे तो आपको ऑडियो लाइब्रेरी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके काफ़ी बैकग्राउंड म्यूजिक्स डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक्स ऐसे हैं जिनको आपको क्रेडिट देना पड़ता है, अगर आप उनको यूज़ करोगे तो आपको अपनी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट देना पड़ेगा। क्रेडिट कैसे देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा और आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। और जो तीसरा तरीका रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन से बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करता हूं अपनी YouTube वीडियोस में। तो चलते हैं, YouTube स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको ऑडियो लाइब्रेरी पर क्लिक करना है। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप इजीली इसको अपने फ़ोन में भी ओपन कर सकते हो गूगल क्रोम में, ठीक है। उसके बाद आपको ऑडियो लाइब्रेरी पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए भाई आपको सैड बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो आपको मोड पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको सैड पर क्लिक करना है, अप्लाई कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, लिखा हुआ है लाइसेंस टाइप। अब लाइसेंस टाइप जिसके आगे YouTube का लोगो बना हुआ है तो आपको कोई भी क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जहाँ पे CC लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से तो आपको क्रेडिट देने की ज़रूरत पड़ेगी। क्रेडिट कैसे देते हैं वो भी बताऊँगा। अभी मैं यहाँ से ऊपर की साइड चलता हूँ और यहाँ पे आप साउंड इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करके भी देख सकते हो, आपको साउंड इफ़ेक्ट्स भी मिल जाएंगे। तो कभी कभी हमें अपनी YouTube वीडियोस में साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप यहाँ से साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वापस से मैं फ्री म्यूज़िक पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करके आपको जिस टाइप का भी चाहिए आप ड्यूरेशन ऐड करके भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, जितने भी मिनट का आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मोड पर क्लिक करता हूँ, और भाई मान लीजिए मुझे अभी सैड बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए, और आप उसको यहां से प्ले करके देख सकते हो। और ड्यूरेशन आपको यहां पे लिखा हुआ दिखाई देगा, ये 1:42 का है, ठीक है, और ये 4:46 का है। तो अब इसको डाउनलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको जो भी डाउनलोड करना है आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको अपनी YouTube वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे क्रेडिट कैसे देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, कोई भी जिसके भी यहाँ पे लाइसेंस टाइप पे CC लिखा हुआ होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। डाउनलोड तो आप इसको इजीली कर सकते हो, सेम प्रोसेस रहेगा। तो आपको डाउनलोड पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इसको आप कॉपी करके इजीली अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो। आपको कॉपी करना है, अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको जहाँ पे भी ऐड करना है, जहाँ पे भी आपका मन करे, आप सबसे नीचे करना चाहो सबसे नीचे कर सकते हो, आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से आप क्रेडिट दे सकते हो, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको करके दिखा रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आपके पास क्लेम नहीं आएगा, ठीक है, जिसके आगे भी CC लिखा हुआ है।
और यहाँ पे अगर आपको कोई सॉन्ग पसंद आ जाता है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद आ जाता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको स्टार कर सकते हो और आप उसके बाद यहाँ पे आके उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई पसंद आ जाता है, ठीक है, और हमें वो नहीं चाहता है, हम उसको किसी और वीडियो में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसको स्टार कर सकते हो और फिर वो आपके यहाँ पे फेवरेट में आ जाएगा। वापस से मैं फ्री म्यूजिक पर क्लिक करता हूँ और नीचे की साइड जाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक्स मिल जाते हैं। इस तरीके से आप आगे चल के देख सकते हो और आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इनकी रो बढ़ाना चाहो तो 100 भी कर सकते हो। ठीक है, रोज इंक्रीज हो जाएगी, 100 तक बैकग्राउंड म्यूजिक आएंगे। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको और चाहिए तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करके इजीली बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक्स यहाँ से ले सकते हो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन से बैकग्राउंड म्यूजिक्स यूज करता हूँ अपनी यूट्यूब वीडियोज में। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करता हूँ। ठीक है, अभी आप इस वीडियो में जो सुन रहे हो ये कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है CROCKPOT, ठीक है, उसके बाद आपको एंटर कर देना है, देन आपके सामने ये आ जाएगा, इसको आप स्टार्ट कर सकते हो और प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। और ये बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे को काफी सही लगता है और आपको कोई भी क्रेडिट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डाउनलोड पर क्लिक करो, डाउनलोड करो और आप इजीली अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। और कभी कभी मैं ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर लेता हूँ, तो वो वाला बैकग्राउंड म्यूजिक आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें जाना होगा यूट्यूब पर। यूट्यूब पर आपको सर्च करना है ये ओटिस, भाई मेरे को नहीं पता इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, आपको ये सर्च करना है, देन आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो नोट फॉर नथिंग लिखा हुआ दिखाई देगा और ये बैकग्राउंड म्यूजिक का नेम नो कॉपीराइट म्यूजिक, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये मेरा फेवरेट बैकग्राउंड म्यूजिक है, फाइनली आज मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप यूट्यूब से बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करते हो NCS चैनल से या किसी और चैनल से जहाँ से नो कॉपीराइटेड म्यूजिक आपको मिलते हैं, कभी भी एक गलती मत कर देना। कुछ पर्सन क्या करते हैं, NCS के ऑफिशियल चैनल से वीडियो को डाउनलोड करते हैं और एक न्यू चैनल क्रिएट कर लेते हैं और टाइटल में लिख देते हैं नो कॉपीराइटेड म्यूजिक। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको किसी अदर चैनल से नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक डाउनलोड नहीं करने हैं, जो ऑफिशियल चैनल होते हैं आपको वहां से डाउनलोड करने हैं। एक NCS मैंने आपको बताया और एक व्लॉग वाला मैंने आपको बताया, ठीक है, ये ऑफिशियल चैनल है, आप यहां से कर सकते हो। अगर आप कहीं और से डाउनलोड कर लोगे तो कुछ लोग क्या करते हैं कि NCS से उठाकर अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं व्यूज के चक्कर में, और जब आप वहां से डाउनलोड करके यूज कर लोगे तो आपको क्लेम दे देते हैं, ऐसा होता है 90%। तो आप ये मिस्टेक ना करना, वरना अगर आपका वीडियो चल गया तो फालतू में आपको एक क्लेम मिल जाएगा, तो ये मिस्टेक मत करना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और साइड में आपको 2 वीडियोस दिखाई देने होंगे, दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करो, देखो एंड एंजॉय करो, ध्यान रखना अपना एंड बाय बाय।